मेनका गांधी के स्वभाव को, उनके परिश्रम को लोग नहीं जमने। आज मेनका जी ऐसी सांसद 1947 स्वतंत्रता के बाद सुल्तानपुर को नहीं मिला। कोई लड़ाई दिखाई पड़ रही है आपको? सपा कहीं है क्या? भीम लड़ रहे हैं कि राम लड़ रहे हैं कि भोवाल लड़ रहे हैं, कुछ पता है क्या? कोई लड़ाई कहीं नहीं है, न बसपा लड़ रही है न सपा लड़ रही है। कहीं किसी तरह के एक तरफा या पूरा का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मेनका गांधी के पक्ष में 100% मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी हमारे जितने भी निषाद महिला पुरुष है ये सब मान इनका कोट करेंगे जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज हम 38 लोकसभा सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के दनवा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी अभी एक जनसभा भाजपा प्रत्याशी संजय मेनका गांधी के समर्थन में हुई थी मेनका जी के, जिसमें अप्रत्याशित भीड़ आई थी। इसका आयोजन जो है जिला पंचायत सदस्य अजय कुमार चतुर्वेदी और नंदन भाई ने किया था। तो आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश पांडे जी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या है इस बार चुनाव का क्या माहौल है। चुनाव आम जनमानस मेनका जी को ऐसी सांसद पा करके 9वीं बार फिर से विजय सिर हिलाए। विपक्षी दल कह रहे हैं उनके कई ऐसे जो प्रत्याशी आए हैं, कोई निषाद है तो कोई वर्मा है, इन लोगों का कहना है कि इस बार निषाद वर्मा कुछ ऐसे जात विशेष के वोटर कटने जा रहे हैं, ऐसे में जो है पिछली बार ये 14,000 से जीती हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? निषादों के नाम आपने देखा, महिलाओं के भी नाम और उनका उत्साह भी देखा। ये उन लोगों के पास, विपक्षी दल के पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। वो सब नरेंद्र मोदी जी ने निचले पावदान पे पार्टी के थीम के अनुसार काम किए। पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का, डेवलपमेंट का, झूठे आश्वासन देने का कुछ भी नहीं। चलिए, हम ये जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, जातिवाद को भी मोदी जी ने समाप्त कर दिया देश। चलिए इस बात को मान लेते हैं कि जातिवाद नहीं चलेगा इस बार। और दूसरे वो गैर जनपद के प्रत्याशी हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं निषाद जी। पिछली बार यहाँ पे सोनू सिंह दोनों एक साथ सपा और बसपा के गठबंधन पे लड़े थे, तब ये स्थिति थी माता जी की, तो इस बार कैसे बढ़त हो जाएगी? नहीं, इस बार वो एकजुट होकर के लड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी विजयश्री नहीं मिली। माता जी के स्वभाव को, मेनका गांधी के स्वभाव को, उनके परिश्रम को लोग नहीं जमने थे। आज मेनका जी ऐसी सांसद 1947 स्वतंत्रता के बाद सुल्तानपुर को नहीं मिला, जो महीने में दो बार तीन बार वो गरीब परिवार में आता हो, पीड़ित परिवार में आता। खनिज मंत्रालय में स्वतंत्र निदेशक है और यहाँ भाजपा की जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इस बार कितने मतों से माता जी जीत रहे हैं मेनका? कहीं कोई लड़ाई दिखाई पड़ रही है आपको? सपा कहीं है क्या? भीम लड़ रहे हैं कि राम लड़ रहे हैं कि भोवाल लड़ रहे हैं, कुछ पता है क्या? कोई लड़ाई कहीं नहीं है, न बसपा लड़ रही है न सपा लड़ रही है। कहीं किसी तरह के एक तरफा या पूरा का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मेनका गांधी के पक्ष में है। मेनका गांधी, जैसे पांडे जी ने बताया, मेनका गांधी निश्चित रूप से देश में सर्वाधिक मतों से जीत कर लोकसभा पहुंचने वाली सदस्यों की गिनती नहीं बता सकते। हो सकता मेरी गिनती कम हो जाए, चार बोलू तो साढ़े चार भी हो सकता है, इसलिए सर्वाधिक मतों से जीतेंगी। ये देश भर में सर्वाधिक मत से जीतने का अगर रिकॉर्ड बनेगा तो सुल्तानपुर का बनेगा, क्योंकि तो जैसा वातावरण है कहीं कोई किसी तरह का किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, कोई जाति किसी के भ्रम में नहीं है। अभी मैं बोल रहा था, मैंने बताया ना, निषाद को कोई भ्रम है, न ब्राह्मण को कोई भ्रम है, न छत्तीसगढ़ निषाद का, अनुसूचित जातियों को जाइए तो बोलते हैं भैया देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो हमारा पैर धोता है, हम उसके छोड़ कर जाएंगे क्या? हमारी छोटी छोटी बच्चे, हमारी छोटी छोटी कन्याएं ये कहती है कि बाबा नवरात्रि हमारा पैर धोते हैं, हमारा पैर पूजन करके हमको भोजन कराते हैं, हमको कौन पर विश्वास करेंगे? बाबा पर ही है हमारी सम्मान की सुरक्षा, हमारे आत्मसम्मान की सुरक्षा अगर कोई करेगा तो योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो योगी और मोदी दोनों मिलकर के निश्चित रूप से सुल्तानपुर में एक बड़ा बहुमत दिलाने वाले हैं। ये जो MY का फैक्टर उनको दिखाई पड़ता है वो MY चलने वाला नहीं, नहीं नहीं चलेगा MY का फैक्टर। और मुस्लिम यादव कहते हैं यहाँ MY का फैक्टर मोदी योगी। क्या कुछ रहेगा इस बार चुनाव का, क्या हालचाल है, क्या लग रहा है? चाचा जी जो हमारे बता रहे हैं जी, ये समझ लीजिए, आप तो कई जगह कवरेज किए होंगे, देखे होंगे, प्रधान से लेके जनता से लेके हर व्यक्ति
यही लगा हुआ है सुल्तानपुर में मां मेनका गांधी को 4 लाख के पार वोटों से इस बार विजयी बनाया जाए, जिससे कि लोकसभा में जब माता दी जाए तो सुल्तानपुर का नाम रोशन करे। कहते तो लोग हैं, मैं भी मान रहा हूं कि 4 लाख वोटों से जीतना है, लेकिन देखा जाए तो जैसे जो नेता आते हैं, अभी अमेठी में योगी 2-2 बार आ चुके हैं, यहाँ पर कोई इस तरह नहीं दिख रहा है, ऐसा दिग्गज नेता प्रचार में नहीं आ रहा, इसके बावजूद भी ये स्थितियां पर नहीं, क्या हो जाए? देखिए, ये जो दिग्गज नेताओं की बात है, सुल्तानपुर की जनता स्वयं सक्षम है, कोई आवे या ना आवे, इस बार माता जी को 4 लाख वोटों से बिल्कुल पार करा के भेजेंगे। 4 जून को इसको ढंका चौक पे लोकसभा में सुल्तानपुर का नाम रोशन होगा। जनता पार्टी में महामंत्री हूँ मैं, आपको बता दूं, सन 2009 से मेरा जो है इस परिवार से पारिवारिक रिश्ता है, और जब से मैं जुड़ा हूं तब से यादों की जहां बात होती है, मैं बता दूं आज की डेट में 40% यादव उनको वोट करने जा रहा है। अभी हमने जल्दी में ही जो है 4 दिन पहले हमने यादव की मीटिंग की, सिर्फ यादव प्रधान और BDC की, लगभग उसमें 100 की संख्या में प्रधान BDC थे और सब जिम्मेदार, और पहले बसपा और सपा की राजनीति करते थे, लेकिन जब से सांसद जी आई हैं वो जो है व्यक्तिगत रूप से मेनका गांधी से जुड़ गए हैं। मैं दावा करता हूं कि यादव का सबसे ज्यादा वोट अब की बार जो है मेनका का संजय गांधी को मिलने जा रहा है। यादव भी 40% इसमें है, तो इंडिया गठबंधन किस भरोसे लड़ रही है? वहां निषाद भी नहीं जा रहे हैं, यादव भी नहीं जा रहे हैं, तो जा कौन रहा है? मैं बता दूं, इसलिए जा रहा है कि मां मेनका संजय गांधी, आज तक कोई भी जाता है, चाहे यादव हो, चाहे निषाद हो, चाहे पाल हो, अदरवर्ड चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC चाहे सामान, चाहे जो, कभी उन्होंने जातिवाद की राजनीति नहीं की। मैं वहां रहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जो कोई यादव जाता है तो कभी नहीं पूछा कि आप यादव हो कि नहीं, पूरा उन्होंने समस्या को हल किया है। इसलिए यादव जो है व्यक्तिगत उनके व्यवहार की उनके काम को देखते हुए यादव वोट करने जा रहा है, और आप 4 जून को रिजल्ट देखेंगे। ये बात सही कर रहे हैं क्या जी? है कुछ, यह चुनाव सिर्फ विकास का चुनाव है, न जात का न पात का। अभी आपने पूछा कि कोई बड़े नेता अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, जब हमारे प्रभु श्री राम जी हमारे क्षेत्र में आ गए हैं तो और लोगों की जरूरत क्या है? माता रानी, माता जी की जिस तरीके से लोग 5 साल उनका कार्यकाल चला है, जिस तरीके से लोगों से जुड़ी रही हैं, उन जनता उन पे स्वयं ही आशीर्वाद दे रही है, और 4 जून को 4 लाख की जो संख्या है इसको पार करते हुए हम लोग सुल्तानपुर की मां सांसद मेनका गांधी को विजयी बनाएंगे। फिलहाल भीड़ ने तो ये साबित कर दिया कि कुछ अलग ही होने वाला है, क्या कुछ रहा आप तैयारियों को लेकर, किस तरह तैयारी किए? तैयारी क्या, ये सब जो है, ये सारी भीड़ जो है, लगभग जो है हमारा जो एक वार्ड नंबर 14 है, ये सारी भीड़, और इसमें मैक्सिमम जितनी महिला है ये निषाद महिला, ये तो ये कहना जो है कि कोई भुआल निषाद या भीम निषाद, ये तो टोटल गलत बात है, और 100% मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी हमारे जितने भी निषाद महिला पुरुष है ये सब मां मेनका को वोट करेंगे जो है। और इधर जो है हमारी तरफ कास्ट फैक्टर तो इस बार कोई है ही नहीं है, वो निषाद नहीं जो है, यहाँ का हर वर्ग जो है विकास के नाम और व्यक्तिगत मेनका जी के उस पे इतना लोग प्रभावित हैं कि सारी सीमा को तोड़ दिया है जो है, या इसमें न कोई मुस्लिम है न कोई यादव है न पंडित, इसमें यादव भी लोग आए, मुस्लिम भी आए, और जो है वर्मा भी आए, जो है निषादों की संख्या मैक्सिमम रही जो है, बाकी तो और ब्राह्मण क्षत्रिय जो है। दलजीत, मैं भाजपा जिला प्रतिनिधि हूँ। कितने वोट जीता रहे इस बार? हम तो सोच रहे हैं कि जैसे 400 पार है वैसे 4 लाख से मेनका गांधी जीते सुल्तानपुर से, इसमें सफलता मिल जाएगी? सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने चुनाव 2019 में लड़ा था तो 3 पार्टी जो है मिलके चुनाव लड़ी थी, सपा बसपा कांग्रेस, फिर भी उन्होंने 14,000 वोटों से जीता। तुम्हें थोड़ा जनता हमारे यहाँ गुमराह हो गई कि 3 पार्टियां मिलकर लड़ रही, हो सकता है चुनाव गड़बड़ा न जाए, लेकिन गड़बड़ाया नहीं, जनता ने कमर कसा और जिताया। तो सारे वादा जो थे मोदी जी के 5 साल कार्यकाल में पूरे हुए, दूसरी पंचवर्षी भी पूरा हुआ, 370 हटा, 35 ये लागू हुआ, राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ मंदिर बना, माफिया राज यहां से उत्तर प्रदेश से बाबा योगी जी ने खत्म किया, वह कानून से कम डरते थे, बाहुबली लोग थे, लेकिन महाराज जी ने जो बुलडोजर चलाया, वह बुलडोजर ऐसा भयानक बुलडोजर निकला कि वह भय से माफिया जो है उत्तर प्रदेश, महाराज जी ने कहा या तो माफिया प्रदेश छोड़ने, या तो जेल में चले जाएं, या तो अपना तीसरा स्थान
ऊपर के लिए चुन ले, महाराज जी ने वैसे किया। वैसे हमारी सांसद महोदया यहाँ किसी माफिया को पनपने नहीं दिया कि टेंडर भी माफिया डाले, वसूली भी माफिया करे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास या जो है दिखाई दिया कोरोना काल के समय। 4 लाख पार यह विश्वास जान लीजिए आप, इसमें कहने की दो राय नहीं है। क्योंकि पीएम किसान, आयुष्मान कार्ड, राशन, तमाम किस्म के जो प्रोत्साहन मिल रहे हैं जनता को, यह सब 400 पार, 4 लाख पार तो करना आवश्यक ही है।